students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes provided by your school. I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel, SIMS Official. As you all know that we are discussing about the joints, and now we will continue with the important topic of this chapter, that is fixed joints. हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है कि कुछ जॉइंट्स हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं. What gives the different parts of their body their different shapes? ऐसे कौन से बॉडी के different different parts हैं हमारी बॉडी के, जो उन्हें different shapes देते हैं? If you wanted to make a doll, अगर आप कोई डॉल बनाना चाहते हैं, what will you make first? आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? Perhaps framework to give the doll shape before making its outer surface, isn't it? शायद आप जब कोई डॉल बनाना चाहेंगे तो आप सबसे पहले उसका शेप बनाएंगे, उसका फ्रेमवर्क बनाएंगे, उसको बनाने से पहले, है ना, कि वो किस टाइप से बनेगी, उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, है ना. ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू अवर बॉडी. इसी तरह हमारी बॉडी की सारी भी जितनी भी बोन्स होती हैं, सारी बोन्स वो एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, एक ढांचा बनाती हैं हमारी बॉडी को एक शेप देने का. This framework is called the skeleton. इसी framework को हम क्या कहते हैं? Skeleton. देखिए आपको figure में भी show रहा है ये, है ना? इस type से आपने देखा भी होगा. कभी जब आपने ghost की movies देखी होंगी, उनमें देखा होगा ये skeleton. How do we know that this is a shape of human skeleton? हमें ये कैसे पता है, हम ये कैसे जानते हैं कि ये जो shape है, ये जो skeleton है, वो human का है? How do we know the shapes of the different bones in our body? हमें कैसे पता चलती हैं हमारी बॉडी की जितने भी डिफरेंट डिफरेंट बोन्स हैं उनकी शेप्स हमें कैसे पता चलती हैं? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन अवर सम पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी बाय फीलिंग दम. हम आइडिया लगा सकते हैं, है ना, हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं इन बोन्स की नंबर और शेप के बारे में हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को हम फील करके, उनको टच करके. One way we could know this shape better would be to look at the X-ray images of the human body. एक और तरीका है मतलब हमारी बॉडी के शेप को, हमारी बोन्स की शेप को जानने का, बेटर जानने का, कि हम किसी भी ह्यूमन बॉडी का एक्सरे इमेजेस देखें. Did you or anyone in your family ever have an X-ray of any part your body taken? क्या आपने या आपकी किसी भी फैमिली के मेंबर का कभी किसी बॉडी के पार्ट का एक्सरे हुआ है? क्या आपने किसी का एक्सरे देखा है? Sometimes we are hurt and have an accident. Doctor use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. आपने देखा होगा कि कभी भी जब किसी को चोट लग जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, है ना, बोन्स रिलेटेड इंजरी हो जाती है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? एक्सरे कराते हैं, है ना. उन एक्सरे इमेजेस में वो ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी बोन्स के साथ मतलब क्या, किस टाइप की इंजरी हुई है, ना, कि कौन सी बोन हमारी ब्रेक हुई है, कौन सी बोन हमारी ब्रेक नहीं हुई है. एक्सरे इमेजेस के द्वारा ही हमें पता चलता है. द एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडीज. एक्सरे क्या करता है? हमारी बॉडीज की, जो हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उनकी शेप को दिखाता है. Feel the bones in your forearm, अपने forearm, upper arm, lower leg and upper leg की आप bones को feel करके देखिए. Try to find the number of bones in each part. और आप इन हर part में उनकी number of bones को आप find करने के लिए try कीजिए. Similarly, feel the bones of your ankle and knee joints and compare these with the X-ray images. X-ray images देखिए आपको ये दी हुई हैं, एंकल की और नी की, है ना. इससे आप इनको फील करके देखिए, अपनी बॉडी को टच करके, अपनी बोन्स को फील करके, इनकी जो जॉइंट्स हैं, जो आर्म है या फिर जो आपका नी है, उसको ऑब्जर्व करके देखिए, उसको आप फील करके देखिए किस टाइप से इनकी बोन्स है, कितनी बोन्स हैं इसमें, क्या शेप हो सकता है. नाउ बेंड योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को बेंड करके देखिए. आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? क्या आप अपनी फिंगर के हर जॉइंट को बेंड करने में एबल हैं? हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव? आपकी मिडिल फिंगर में कितनी बोन्स हैं? फील द बैक ऑफ योर पाम, अपनी पाम को, पाम के बैक को फील करके देखिए. इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारी बोन्स हैं, है ना. देखिए
या आपको फिगर भी शो हो रही है आपके हैंड्स की बोन्स की, इस टाइप से होती है आपकी फिगर। और इसी टाइप से आप फील करके देखिए कि क्या आपके हैंड में भी इस टाइप की फिगर्स, इस टाइप की बोन्स हैं। नाउ ऑब्जर्व, इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी जो रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल है। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, आपकी जो रिस्ट है वो बहुत सारी छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है जिनको हम कहते हैं कार्पल्स। वॉट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन, अगर इसमें सिर्फ वन ही बोन होती तब क्या होता, तब क्या आप अपनी रिस्ट को ऐसी फ्लेक्सिबल मूव कर पाते हर डायरेक्शन में? नहीं, तब आप फ्लेक्सिबिलिटी से अपनी रिस्ट को मूव नहीं कर पाते।